नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मॉनसून की गाड़ी आज आगे बढ़ेगी और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज दस्तक दे सकती है। इस बीच अरबियन सी में बनी ट्रफ इस समय कोस्टल गुजरात से लेकर केरल के तटीय भागों तक सक्रिय हो गई है। इसके कारण आज वलसाड़, सूरत, मुंबई, रत्नागिरी, गोवा और मैंगलोर सहित कोस्टल महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटक और केरल के कई शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही पुणे, नासिक, अकोला और नागपुर सहित उत्तरी महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मॉनसून के सक्रिय होने के साथ अब सेंट्रल इंडिया में अरब सागर से तेज हवाएं चलने लगी हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश के कई शहरों विशेषकर इंदौर, उज्जैन और रतलाम में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। राजधानी भोपाल में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। ईस्ट गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर और बड़ौदा सहित राजस्थान के साउथ ईस्ट क्षेत्रों में खासतौर पर उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में हल्की बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं भी इन भागों में चल सकती हैं। नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेट्स पर पिछले दिनों से जारी बारिश की गतिविधियां कम होंगी, जिससे श्रीनगर और कुल्लू मनाली से लेकर देहरादून तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि पहाड़ों पर एक दो जगह हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दूसरी ओर बीकानेर, चूरू, सीकर, हिसार, झांसी और ग्वालियर तथा आसपास के हिस्सों में लू का प्रकोप बना रह सकता है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में तेज गर्म हवाएं चलेंगी, पारा 44 के आसपास रहेगा। बारिश की राहत अभी दूर है। बिहार के भी कुछ शहरों में मॉनसून आज दस्तक दे सकता है। इससे राज्य में उमस वाली पूर्वी हवाओं का प्रवाह बढ़ जाएगा। अनुमान है कि पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर और गोरखपुर सहित बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।